अब तक आपने देखा राधे श्याम नंदिनी को कहता है, रानी को तो सड़क पर ले ही आई हो तुम, अब वाणी की बारी है। मनोहर और अलोका को देख राधे श्याम दंग रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानी काव्या की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, वो काव्या माँ बनने वाली है। वाणी काव्या से पूछती है, तभी अंजलि आके सबको बताती है कि वो माँ बनने वाली है, इसीलिए जांच करवाने हॉस्पिटल गई थी। ये सुन वाणी गुस्से से तिलमिला जाती है और रानी से कहती है, और दोबारा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। अब आगे नहीं। चल चल चल, अब नाटक मत कर मिस्टेक मेरा बच्चा, शाबाश भी। नहीं पापा, इससे स्मेल आती है और ये बहुत कड़वी भी है, मुझे नहीं पीना। यार तू हमारी बहादुर बेटी है बेटा, हाँ चुपचाप से आंख बंद कर नाक बंद कर और गटक ले। हाँ पर आंख और नाक एक साथ कैसे बंद करते हैं? ओ बेटा, आंख ऐसे बंद करते हैं, नाक ऐसे बंद करते हैं, ऐसे गटक लेते हैं। रुक बदमाश। अरे कुछ नहीं, परेशान कर रखा है, दवा नहीं पी रही है, तब से पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम पकड़ो तुम ही पिला। माँ सब ठीक है, आप थकी हुई लग रही हैं। नहीं बेटा ठीक हूँ, लेकिन अब जरूर थक जाऊंगी इसको दवा पिलाने के चक्कर में। लाइए दीजिए। अरे तुम कब आई बिजली? दीदी वो पास वाली काकी का फोन आया था कि मिस्टी अस्पताल में है, उसे शॉक लगा है, अब वो ठीक है तो हम चलते हैं। ठीक, हाँ हम भी चलते हैं। सुन अब चुपचाप दवा पी ले वरना मैं। रानी तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं, तुम मम्मा नहीं हो ना। सॉरी मामा के बारे में बात नहीं करनी थी ना, मैं अब उनका नाम कभी नहीं लूंगी। इधर आ जा, बैठ जा इधर। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी मम्मा ही है और जैसे तुम लोग उन्हें याद करते ना वैसे ही वो भी तुम लोगों को याद करती होंगी। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझसे मिलने यहाँ नहीं आती, और देखो मुझे करंट लगा उसके बाद भी मुझसे मिलने नहीं आई, इसका मतलब वो मुझे प्यार नहीं करती, मुझे हेट करती है। नहीं बेटा, उन्हें पता ही नहीं था तो वो कैसे मिलने आती तुमसे। हाँ ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है रानी, कल तुम जाके उन्हें ये बात बता देना, फिर देखना वो कैसे भागते हुए आएंगी। ठीक है, अब जल्दी से दवा पी ले और सो जा। आ, 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 अच्छा बच्चा मेरा। आई नीड टू नो काव्या, उस वक्त सब लोग वहां थे इसलिए तुमने जो कहा मैंने चुपचाप मान लिया, पर अब मुझे बताओ कि सच क्या है। क्योंकि रानी इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कहेगी, तुम बच्चों के मामले में वो गलत नहीं हो सकती, इसलिए मुझे बताओ कि सच क्या है, कौन क्या छुपा रहा है यहाँ? नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं अंजलि भाभी के साथ हॉस्पिटल गई थी वो उनके चेकअप के लिए, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मम्मा। हाँ मम्मा, काव्या आपसे बिल्कुल सही कह रही है, वो सच में मेरे साथ हॉस्पिटल ही गई थी। इनफैक्ट मुझे तो काव्या का थैंक्स करना चाहिए, आप तो जानते हैं कि इस मौके पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक दोस्त की होती है, काव्या ने मेरी वो कमी भी पूरी कर दी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। ऑलराइट बेटा,
पर काव्या में अभी भी थोड़ा बचपना है, तो ऐसे वक्त पे अगर तुम्हें किसी बड़े की एडवाइस की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे अब घर और ऑफिस दोनों को ही संभालना है। अब मैं तुम सबकी मामा भी हूं और एनीवे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बेटा। तुम इस घर में इतनी बड़ी खुशी लाने वाली हो। लेकिन बेटा, तुम्हारी और आदि की शादी जिन सर्कमस्टांसेस में हुई है, किसी भी खुशी से पहले मुझे तुम्हारी खुशी के बारे में सोचना है। सो टेल मी, ये बच्चे की जिम्मेदारी तुम किसी के प्रेशर में आके तो नहीं उठा रही हो? नहीं मम्मा, आपको पता है मेरी मॉम क्या करती थी, कि माँ बनने का सुख बहुत नसीब से मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि मैं इन ब्लेसिंग्स को एक प्रेशर की तरह लूंगी? और रही बात आदि और मेरी, तो आदि को मैंने माफ कर दिया है, एंड वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन नाउ। वैसे भी कहा जाता है कि एक बच्चा माँ बाप की दूरियों को मिटा देता है। आई रियली होप सो बेटा, खुश रहो। अब ऐसा ही बड़ा दिल रख के अपने पापा को भी माफ कर दो, बात कर लो उनसे और ये खुशखबरी दे दो उनको। गॉड ब्लेस यू। बच्चे भी कितने इनोसेंट होते हैं ना। मिस्टर को ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे बारे में सुनेंगे और दौड़ते हुए चले आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम कल मिस्टर को बोल देना कि तुम वानी भाभी से मिलके आई हो और उन्होंने मिस्टर को याद किया है और उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है। पर ये तो झूठ होगा ना जी। पता है, लेकिन जिस झूठ से अपनों का दिल टूटने से बचा है वो झूठ झूठ नहीं होता। कह देना तुम, ये हो गया। आप ठीक बोल रहे हो जी, अपनों का दिल किसी हाल में नहीं टूटना चाहिए। इसलिए आज जीजी के घर में मेरे साथ जो हुआ वो मैं यहां किसी को नहीं बताऊंगी। और अंजलि मां बनने वाली है, ये खबर तो बिल्कुल भी सार्थक को नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा वैसे ही बहुत परेशान है, इस वक्त ये खबर सुनेगा तो पता नहीं क्या। नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि जब तक हो सकेगा ये बात छुपा के ही रखूंगी। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, हम मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। पर भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या होने वाला है। प्लीज देखो, घबराओ नहीं, और इससे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। पर भाभी हम ये बात कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल कभी ना कभी पता लग ही जाएगी ना, फिर हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो। देखो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को कॉन्टेक्ट करो, उससे बात करो। आई एम श्योर कि वो तुम्हारी बात को समझेगा और उसके बाद हम तुम दोनों की शादी की बात भी कर सकेंगे फैमिली में। लेकिन काव्या, देखो एक प्रॉमिस करो कि उससे पहले ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे।
किसी को भी नहीं, यहां तक कि ये बात तुम ओ अंजलि भी है यहां। आई होप काव्या तुम उससे कुछ छुपा नहीं रही हो। तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो बेझिझक मुझसे कर सकते हो। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है और छुपाने वाली तो कोई कोई भी बात नहीं है। आई नो बात तो अंजलि सुनाएगी। हाँ जी मेरा मतलब है किस्सा किस्सा सुनाएगी। तो बताओ अंजलि ये सब कैसे हुआ? मतलब मेरा मतलब है कि आदि आदि से तो तुम काफी गुस्सा थी ना। हमारे आदि ने मनाया कैसे तुम्हें? वो अब मैं क्या बताऊं भाभी। तुम तो शर्मा गई। चलो कोई बात नहीं नेवर माइंड। मेरा थैंक यू तो ले ही लो। जी थैंक यू। थैंक्स इसलिए कि तुम माँ जो जल्दी बन गई। तुम्हारे जल्दी मां बनने से अब मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा। और वैसे भी तुम्हारा नंबर इतनी जल्दी आ गया तो मेरा नंबर तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। ये काव्य और अंजलि सडनली कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से चिपकने लगे हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इनमें। खैर मुझे क्या, जो होगा देखा जाएगा। लिसन काव्य प्लीज अब देर मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो और अपना प्रॉमिस याद रखना, ये बात तुम किसी से भी शेयर नहीं करोगी। भाभी भी प्रॉमिस करती हूँ मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। भाभी को भी नहीं। हाँ ओके पर भाभी आप आदि से क्या बोलोगे? उससे आप सच कैसे छुपाओगे? भगवान जी से आशीर्वाद ले ले। कान्हा जी को तो रानी लेके चली गई, राधा जी तो है वो देगी तेरे बच्चे को आशीर्वाद। देख लड़का हो या लड़की हो पर क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए। प्लीज दादी। अरे नाराज ना हो बेटा, तूने मुझे परदादी बनाया ना है तो क्या मैं खुशी भी ना मनाऊं? मैं तो खुशी मनाऊंगी, नाचूंगी भी है। तुम दिख दिखती। मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ दादी, वो बच्चा मेरा नहीं। चल अब प्रसाद खा ले, आजा, आजा। जीजी आप बड़ों को क्या बनोगी? पता नहीं रानी, लेकिन मुझे पढ़ाई बहुत करनी है, अगर मौका मिला तो मैं विदेश जाकर भी पढ़ाई करूँगी। अरे वाह जीजी, उधर तो लोग जहाज से जाते हैं ना? हाँ बहुत दूर होता है ना। ओ तो मतलब आप मुझे अकेला छोड़कर वहाँ चली जाओगी? कभी नहीं बुद्धू, मैं तेरे बिना थोड़ी रह पाऊंगी। हाँ वो तो है जीजी।
हम जुड़वा है ना, हम कपिया लगने होंगे, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे और हमेशा। बचपन में कितनी समझदारी की बातें करती थी रानी, और अब इतनी नादानी। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तुम्हारी जीजी कभी नहीं रही है, कभी रह भी नहीं पाएगी। तुम्हारी जीजी को तुम्हारी आदत है रन, तुम्हारे परवाह की आदत। जीजी, जीजी क्या हुआ जीजी? कुछ बोलो ना जीजी। अरे दरवाजा खोलो जीजी, डरना मत। बोलो रानी। जीजी, जीजी इसमें सांस लो। जीजी, हलवा, शगुन जन्मदिन का खा लेना, जन्मदिन मुबारक हो जीजी। पर शायद अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं, अपनी जीजी की भी नहीं, तो ठीक है। अगर तुम इतनी पत्थर दिल हो सकती हो तो मैं भी तुम्हारी जुड़वा हूं। एक कोशिश तो जरूर कर सकती हो, तुम्हें भूलने की ना सही, पर तुम्हें याद ना करने की कोशिश। अविनाश फोन उठाओ प्लीज, पिक अप द फोन। हेलो अविनाश, अविनाश कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन लग भी नहीं रहा है, लग रहा था तुम उठाते क्यों नहीं हो। शूट पर अविनाश, अविनाश प्लीज 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 मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज फोन मत रखना। हाँ काव्या बोलो यार, मैं शूट पर हूँ, बोलो ना, तुम्हारे लिए शूट भी रुकवा दिया है। टेल मी काव्या, काव्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अविनाश मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? What? Pregnant? क्या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अविनाश, मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अविनाश ये बच्चा तुम्हारा है। काव्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, are you mad? मेरा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। बोल रही हूँ मेरा बच्चा है। खबरदार जो मुझे इन सब चीजों में फंसाने की कोशिश करी। अविनाश फंसाने की कोशिश? How dare you? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? अविनाश you said that you love me. अविनाश तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और अब। अरे काव्या अगर तुम्हारी जैसी हर लड़की से शादी करने लगूं मैं तो हर दूसरी गली में मेरी एक बीवी होगी और हर दूसरे घर में मेरा एक बच्चा। अविनाश प्लीज, तुम क्या बोल रहे हो? तुम इतने घटिया इंसान हो। अविनाश मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। थैंक गॉड सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं अपने ही हाथों पे जिंदगी बर्बाद कर देती। वो तो अभी कर लिया है, बिन ब्याही माँ जो बन गई वो तो। शट अप, शट अप। क्यों? लग रही हूं मैं सेम सेम आपके जैसी ना? मैं आपसे बदला क्यों लूंगी? आप तो मेरी जीजी हो, मेरी बहन हो। मामा आप ठीक है ना?
नहीं ठीक हूँ मैं। मामा मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ? कॉफी, ग्रीन टी और एनीथिंग? नहीं बेटा, अब मैं बस थोड़ी देर आराम करूंगी। मामा आपके कुछ लेटर्स आए हैं, आप अभी पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे? बाद में पढ़ लूंगी बेटा, रख दो। जी मामा। You take care.